वहीं संभल हिंसा पर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष के कई नेता प्रदेश सरकार से, वहां प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए देखिए। जगह जगह याचिकाएं दायर जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया, लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कम्प्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर पास करे, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का यह काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं, ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है, उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था, तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। मणिपुर के अंदर हालात कितने खराब है, यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। पहले बहराइच हुआ, अब संभल के अंदर हो गया। कहां तो दंगा मुक्ति की बात होती थी, दंगा करने वाले यूं हो जाएंगे दंगा, अब क्या हो रहा है, ये तमाशा बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आग के अंदर झोंकने की तैयारी, पुलिस मिलकर के काम कर रही है, सीधे सीधे हत्या करा रही है, सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या कर दी।